हरे कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता के ऊपर। जितना समय आगे बढ़ रहा है हम देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ कन्फाइंड और दूसरों से काम लेना, बट उनके प्रति जो एक ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए, कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं समाज में लैकिंग होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, उसकी कमी खल रही है लोगों को। इसलिए लोग क्या करते हैं, हेल्प करने से भी कतराते हैं कि अभी तो हेल्प कर दूंगा, फिर बाद में ये कभी भी इसको याद नहीं रखेंगे और उल्टा जो है कुछ ना कुछ नेगेटिव ही बोलेंगे। तो इस डर से बहुत लोग हेल्प भी नहीं करते हैं। लेकिन एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड के बिना कोई भी व्यक्ति एक्चुअल में सुखी नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जैसे कि हमें फ्री में, अभी आप जब कोरोना हुआ, आप सबको पता है कि जो लोग वेंटिलेटर में थे, ऑक्सीजन ले रहे थे आईसीयू में, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वो कितना कॉस्टली है। लेकिन भगवान ने हमें अनादि काल से फ्री ऑक्सीजन दिया है और उसका कोई चार्ज भी नहीं ले रहे हैं। पानी फ्री है, हाँ कलयुग में तो पानी भी पैकेट में अभी बिकने लगा है क्योंकि नदियों को इतना पल्यूट कर दिया गया है। नहीं तो पहले जो नदियाँ, नदी का जल होता था वो बहुत स्वच्छ हुआ करता था, पहाड़ से नदी का जल या मिट्टी का भी जो जल है, मिट्टी से भी निकाला गया जल, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। फिर भी जल तो अनादि काल से हमारे लिए फ्री है। कोई आर्टिस्ट अगर मिट्टी से कुछ बनाते हैं तो अपने आप को बहुत महान मान सकता है, लेकिन वो मिट्टी भी हमें कहाँ से मिलता है? मिट्टी भी हमें भगवान ही देते हैं, इतना सारा मिट्टी। कोई बिल्डिंग भी बनाई है तो बिल्डिंग का जो मटेरियल है वो ऑलरेडी भगवान के द्वारा प्रदत्त है, दिया हुआ है ना, तो इसलिए तो हमें मिल रही है। तो यानी ओरिजिनली सब सब चीज़ें अवेलेबल पहले से ही था प्रकृति में, बस साइंटिस्ट भी अगर कुछ बनाते हैं तो प्रकृति की ये चीज़ों से बनाते हैं, तो ये सब भगवान के द्वारा दिया गया है। तो इसलिए भगवद गीता में भी जब देवताओं की बात आती है तो अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, जब मनुष्य देवताओं की पूजा आराधना करते हैं तो देवता लोग प्रसन्न होते हैं, और समय से बारिश आना और खनिज आदि देना, और पृथ्वी भी प्रसन्न होती है जब व्यक्ति सत्वगुण में जीते हैं, पृथ्वी पृथ्वी माता को भार नहीं लगता, तो वो सारी चीजें हमें प्रदान करते हैं। समुद्र मोती प्रदान करते हैं, समुद्र से भी हमें नमक मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती है, तो इसलिए अर्जुन को कहते हैं। तो फिर धीरे 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 वहां तक आते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्स्य सर्वम प्रवर्तते, 10.8 श्लोक का है कि सब कुछ मेरे मेरे द्वारा ही प्रदत्त है, देवतागण भी मेरे द्वारा ही, उनका भी जन्म है। तो तब भगवान जो है बोलते हैं ये बात। तो यानी पहले जब भगवान भगवत गीता के भी स्टार्टिंग में अर्जुन को बोलते हैं कि ऐसा करना चाहिए मनुष्य को, और बोलते हैं अगर कोई देवता के प्रति, जो उनका देवतागण एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टफ है, मैनेजमेंट स्टफ है, और वही सब, कोई वायु देवता है, कोई वरुण देवता है, और कोई अग्नि देवता है, सूर्य देवता है, चंद्र देवता है। सूर्य देवता हमें रोशनी देते हैं दिन भर, चंद्रदेव हमें रात को रोशनी देते हैं, और चंद्रदेव की जो रोशनी है उससे जो फल है और सब्जी है उसमें रस भर जाता है, वो टेस्टी हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सभी चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और देवता के द्वारा प्रदत्त है, और देवता को ये शक्ति कहाँ से मिलती है? भगवान श्री कृष्ण से। तो इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि अगर कोई भोग लगाए बिना खाते हैं तो वो पाप खाते हैं। अगर उनके अंदर एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड नहीं है तो वो सिर्फ चोर है, क्योंकि ये सब कुछ भगवान के द्वारा प्रदत्त है। तो हर जीवात्मा को, एक तो भगवान के अंश है
और भगवान ने ही उनको भौतिक जगत में सब कुछ फैसिलिटी प्रदान किया है, तो इसलिए एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड डेवलप होना बहुत जरूरी है। यानी कोई अगर हमारे लिए कुछ भी हेल्प कर रहे हैं तो हमें उनके प्रति एक ऐसा होना चाहिए कि ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए। तो ये भावना हमारे अंदर हमें जगाना होगा, अगर नहीं है तो इसलिए कोई हमें थोड़ा सा भी हेल्प करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज द शोइंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। और सिर्फ मुंह से ही नहीं, जब उनको भी हेल्प की ज़रूरत होती है, अगर आप हेल्प करते हैं या उनके बोलने से पहले ही समझ कर हेल्प करते हैं तो ये भी आपका एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार से भगवान हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं और हमें प्रोटेक्शन भी भगवान से ही मिलता है, नहीं तो हर दिन तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ होता रहता है, फिर भी हम बच के आ जाते हैं और हर दिन हम बिस्तर से जब सो जाते हैं रात को, सुबह आंखें खुल रही, कितने लोगों की आंखें नहीं खुल रही है। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें भगवान के प्रति थैंकफुल होना चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा था तो उसने अपने पिता को पूछा कि क्योंकि कुछ लोग ना लाश को कंधे पे उठाकर, मतलब कंधा देकर ले जा रहे थे शमशान तक, बहुत दूर नहीं होता तो पैदल ही ले जाते हैं लोग, तो वो लोग गा रहे थे ऐसे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो छोटा बच्चा था, उसको समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं, तो पिता से पूछा अपने पापा से कि पापा ये लोग क्यों ऐसे गा रहे हैं राम नाम सत्य है। तो बोलते हैं क्योंकि ये सच है, राम नाम सत्य है। तो बोलते अच्छा, फिर वो जो सो रहे हैं उनके कंधे में वो क्यों नहीं गा रहा है, उन्हें क्यों बोल रहा है? अगर पिता बोल रहे हैं सब लोगों को राम का नाम जप करना चाहिए, छोटा बच्चा है उनको अच्छी बातें सिखा रहे हैं, तो बोलते सबको जप करना चाहिए, तो ये जो सो सो के जा रहा है वो क्यों नहीं जप कर रहा है? तो पिता ने कहा क्योंकि वो मरा हुआ है। तो छोटा बच्चा अपने पापा से पूछते हैं, पापा हम भी तो राम नाम नहीं जपते तो क्या हम भी मरे हुए हैं? इतना छोटा बच्चा और इतना सुंदर फिलॉसफी जो भागवत में बताया गया हमारे शास्त्र में, कि जो मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद भी अपना जो सर है भगवान के सामने नहीं झुकाते, अपने जो आंखें हैं भगवान के दर्शन के लिए नहीं लगाते, अपने जो हाथ है उससे भगवान की सेवा नहीं करते, अपने जीवा को भगवान के नाम जप करने में नहीं लगाते, अपने पैरों को भगवान के मंदिर धाम आदि जाने के लिए यूज नहीं करते, वो मृत व्यक्ति के समान है। तो छोटे बच्चे ने सही कहा कि क्या हम भी मरे हुए हैं। तो थैंकलेस पीपल, मैक्सिमम पीपल थैंकलेस होते हैं सोसाइटी में। मैक्सिमम पीपल को ये नहीं जानना कि भगवान है नहीं है, जो भी है उनको अपने सुख से मतलब है, बहुत मतलब भी हो गए हैं, क्योंकि मनुष्यों ने हमें मिला है भगवान के बारे में पता करने के लिए। और जब भगवान हमको इतना कुछ दे रहे हैं तो हमें उनके प्रति क्या होना चाहिए, एक कृतज्ञता की भाव होना चाहिए। कितने ही लोग मंदिर जाते हैं, भक्त लोग तो मंदिर जाते हैं भगवान को थैंक यू बोलने के लिए कि थैंक यू भगवान आपने हमेशा मुझ पर कृपा किया, और सब कुछ याद रखते हैं उनको जो जो भगवान ने उन पर कृपा किया। कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, ये सब कुछ देवी इच्छा से होता है ना, भगवान की इच्छा से होता है, कौन किससे मिलता है कौन नहीं मिलता है, किसकी रक्षा होती है और किसकी रक्षा नहीं होती है, उनके कर्मों के हिसाब से और भगवान की कृपा से होती है। तो इसलिए मंदिर हमें भगवान को थैंक यू बोलने भी जाना चाहिए। जैसे आपके पास कोई इंसान आए आपके पास, या आपके रिश्तेदार ही आए, हमेशा आपको ये सुनाए आपने मुझे ये नहीं दिया वो नहीं दिया, आप तो मेरे भाई लगते हैं, आपने ये नहीं दिया और मुझे ये दीजिए वो दीजिए मुझे वो चाहिए, आपको ऐसे बोलते रहे तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन आपने जो उनको दिया उसके लिए आपको हमेशा थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू भैया आपने मेरे कॉलेज का फीस दिया, आपने पापा के जाने के बाद घर संभाला, जो भी छोटी छोटी चीज़ करे कि थैंक यू भैया आपने मुझे गाइडेंस दिया कि मुझे यही कोर्स करना है कॉलेज में,
सब चीजों के लिए। तो आपको कौन सा भाई अच्छा लगेगा, जो थैंक यू बोलते हैं ना कि कंप्लेन करते रहते हैं, जो एक्सेप्टेंस रखते हैं, जो सहज है, सरल है, ना कि कुटिल है, और ना ही आपको एलिगेशंस लगाते रहते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण को वो भक्त बहुत प्रिय है जो भक्त भगवान को थैंक यू बोलते हैं, भगवान की इतने सारी कृपाओं के लिए वो हमेशा भगवान के प्रति कृतज्ञ रहते हैं और निरंतर भगवान की सेवा में खुद को लगा कर रखते हैं, ना कि हमेशा कंप्लेन एंड रोना धोना। और ये कोई भी व्यक्ति, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मनुष्य को भी पसंद नहीं है ऐसा। तो इसलिए अगर हम अपना कृतज्ञता प्रकट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं भगवान के प्रति? सबसे इम्पॉर्टेंट और सहज और सरल उपाय है मुख और जीभा से। जीभा का दो काम है, एक है खाना, एक है बोलना। तो हम रोज भगवान को कुछ ना कुछ, भगवान का मूर्ति लाने की जरूरत नहीं है, भगवान का जो फोटो है ना, वो फोटो भी स्वयं भगवान है, क्योंकि अष्ट प्रकार की मूर्तियों में रंग की मूर्ति का भी उल्लेख है, रंग से बना हुआ चित्र। तो आप चित्र के सामने कुछ भी भोग लगाइए, आप केला लाते हैं तो तुलसी पत्र डालिए केला में, तुलसी पत्र नहीं है तो तुलसी 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 ऐसे उच्चारण करके भी तुलसी आप डाल सकते हैं, है तो बहुत अच्छा, इतना प्रयास कीजिए कि तुलसी पत्र आप ले आए। रोज पानी भोग लगाइए, दूध भोग लगाइए, कुछ ना कुछ रोज भोग लगाइए। कुछ भी नहीं है, सिर्फ चावल बना है और बाकी सब्जियों में प्याज लहसुन डाला हुआ है, तो उस चावल भोग लगा दीजिए, साइड में थोड़ा चीनी रख दीजिए, या रोटी है से ठीक है, रोटी भोग लगा दीजिए, साथ में थोड़ा घी लगा दीजिए। भगवान भावग्राही जनार्दन है, भगवान ग्रहण करेंगे जब आप प्रेम से उनको भोग लगाएंगे। तो ये हुआ, फिर भोग लगाया हुआ आप खाइए। जैसे बच्चे को पिता चॉकलेट का एक ना पैकेट लाके देते हैं, पिता को क्या चॉकलेट से प्यार है, लेकिन बच्चा उसमें से 5-6 चॉकलेट पिता को देते हैं, पापा आप पहले खाओ, थैंक यू आपने मुझे पैकेट दिया पर आप पहले खाओ। तो पिता को चॉकलेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर पिता को अच्छा लगता है, उसका प्रेम अच्छा लगता है बच्चे का, है ना। तो इसी प्रकार से हमें भगवान को अर्पण करके ही खाना चाहिए। और अगर आप घर में नहीं है, अर्पण नहीं, बाहर है, बाहर भी जो चीज़ में नॉन वेज नहीं है, ऑनियन गार्लिक और मसूर का दाल नहीं है, वो सब चीज़ आप भोग लगा सकते हैं। तो भगवान को स्मरण कीजिए और जो सामने है वो भगवान को अर्पण कीजिए, सिर्फ ऐसे बोल के, ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, बस श्री विष्णु 3 बार बोलना है और भगवान को प्रार्थना करना है इसे ग्रहण करें, बस भोग लगा दिया आपने। तो इस तरह से भगवान ने जो हमें दिया है आहार, अन्न कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, बोलते हैं ना भगवान हमें देते हैं, तो उसका आदर करते हुए ग्रहण करना चाहिए। और दूसरा बोलना, क्या बोलना है, कृष्ण के बारे में बोलना है। सबसे सरल है, आप हरे कृष्ण महामंत्र का रोज जप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से क्या होगा, तो इस तरह से आप कृतज्ञता प्रकट करते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान हमारा इतना ध्यान रख रहे हैं तो हम इतना तो कर ही सकते हो, ये बहुत सरल है और इसी का नाम है भक्ति योग। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण।